अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली, पबजी डस्ट आपके लिए लेकर आए हैं भाई यहां पर Redmi Note 13 Pro का। देखेंगे कितनी बैटरी ड्रेन करता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सारा कुछ, फ्रेम्स भी चेक करेंगे हम, देखेंगे भाई ये फोन गर्म होता है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसी रहती है, सारा कुछ बता दें। तो यहाँ पर Redmi Note 13 Pro प्राइसिंग जो रखी गई 75,000 रुपये है, 8GB 256GB हमारे पास वेरियंट है, 512 GB वाला भी होता है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसर मीडिया है Helio G99 का है, 5000mAh की बैटरी और यहां पर 67W की फास्ट चार्जिंग है। डिस्प्ले यहां पर दोस्तों आपको 120Hz वाला मिलता है और फुल व्यू डिस्प्ले का मजा, बेजल्स वगैरह आपको यहां पर काफी जो है वो छोटे मिल जाते हैं, मतलब के बेजल लेस आप डिस्प्ले कह सकते हैं, कम बेजल्स हैं बहुत। तो बैटरी इस वक्त रिमेनिंग है 99%, देखते हैं कितना बैटरी का खर्चा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑलवेज ऑन जायरोस्कोप मिलता है, यहाँ पर जायरोस्कोप रिवर्स भी आपको मिलता है। मैं जायरोस्कोप प्ले नहीं करना आता वैसे, स्मूथ में अल्ट्रा में मतलब 40fps प्ले कर पाएंगे और HD में हाई सेटिंग्स में आप प्ले कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये HD डाउनलोड हो रहा है तो हम स्मूथ में अल्ट्रा में प्ले करते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। और इसके साथ अगर देखें तो आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 4,36,000 मिलता है, तो ये इस हिसाब से ठीक है वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पर दोस्तों आपको 9 मिनट हो गए हैं प्ले करते हुए, हमने कहा जरा अच्छी तरह प्ले कर ही लें तो फिर ही चेक करते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह का मामला ठीक है, अच्छी खासी दोस्तों ग्राफिक्स है और यहाँ पर जायरोस्कोप में डिले नहीं है लेकिन ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जायरोस्कोप साहब हम प्ले नहीं करते लेकिन हम चेकअप करके दिखा रहे हैं। 9 मिनट में वैसे अब तक हीटअप हुआ नहीं है फ़ोन, बट यहाँ पर ठीक चल रही है पबजी, ग्रास वगैरह ग्राफिक्स वगैरह अच्छी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता दोस्तों तो बड़ी ज़बरदस्त ग्राफिक्स आनी थी। यहाँ पर देखिए बंदे हमें किल करते जा रहे हैं, टच रिस्पॉन्स वगैरह ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर देखिए टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है टच रिस्पॉन्स, पर कभी कभी बग्स वगैरह दिखाई दे रहे थे आम एप्लीकेशंस में भी, यहाँ पर टच रिस्पॉन्स अच्छा है। तो प्ले अब तक काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक प्ले हो रही है। नेक्स्ट हम प्ले करके आपको दिखाते हैं कि कैसा मामला रहता है। यहाँ पर स्कोप वगैरह भी ठीक है, हम जायरोस्कोप और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमने ऑन की हुई है, 8 मिनट हो गए हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, 2 मिनट बाद हमने ऑन की थी। तो यहाँ पर हम जायरोस्कोप को भाई बंद कर ही लेते हैं क्योंकि हमें मज़ा नहीं आता भाई जायरोस्कोप के साथ।
तो यहाँ पर दोस्तों PUBG टेस्ट हो गया है कंप्लीट, हमने 22 मिनट चेक कर लिए और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने 18 मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ, ये देखिए तो ब्राइटनेस भी हमने ज़्यादा की हुई, ये देखिए 19 मिनट और 5 सेकंड हमने यहाँ पर टेस्ट किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमने वॉल्यूम भी उस हिसाब से ऑन किया हुआ था और उसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग 18 मिनट हुई है। सबसे पहले हम बैटरी देखते हैं भाई ड्रेन कितनी हुई है, बैटरी थोड़ा सा गर्म हो गया है फ़ोन, यहाँ पर इस वक्त जो बैटरी रिमेनिंग है 93% है, मतलब 6% बैटरी का खर्चा 22 मिनट में हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। वैसे ठीक है टेम्परेचर क्योंकि नॉर्मल है 13-14 डिग्री है कमरे का टेम्परेचर, 15 डिग्री लगा लें तो इससे ज़्यादा का नहीं है कमरे का टेम्परेचर, उस हिसाब से 6% बैटरी का खर्चा वैसे ठीक हुआ है, स्क्रीन भी बड़ी है तो बहरहाल बेजललेस डिस्प्ले उस हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही G99। लेकिन स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता वो ज़्यादा बेहतर होता क्योंकि यहाँ पर शाओमी के बग्स वगैरह आते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब आपको कैसा लगा ये फ़ोन, कैसी लगी परफॉर्मेंस ये ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छी लगी वैसे परफॉर्मेंस। अब आपका क्या जहन है, क्या ख्याल है ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ उससे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।